हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, ये वीडियो है किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स से रिलेटेड। जैसा कि आपके पास अब टाइम बहुत कम है बीपीएससी टीजीटी 2023 एंड ईएमआरएस दोनों के लिए, एंड केवल यह बीपीएससी एंड ईएमआरएस के लिए ही नहीं है, अदरवाइज ऑल फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सभी वीडियो हैं। तो डेली बेसिस आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए और अपना सेल्फ स्टडी भी ध्यान दीजिए। एंड दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस हैं, चक्का जब छोड़ा जाता है तब क्या होता है? तो हमारे शरीर में दो बल कार्य करते हैं, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल यानी अभिकेंद्रीय बल जो केंद्र की तरफ लगता है, सेंट्रीफ्यूगल यानी अपकेंद्रीय बल जो बाहर की तरफ लगता है। जब हम चक्का घुमाते हैं फेंकने के लिए, उस कंडीशन में सेंट्रीपिटल यानी अभिकेंद्रीय बल केंद्र की ओर ज्यादा लगता है, और जब चक्का को छोड़ते हैं तो क्या होगा? यहां पे ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, अपकेंद्रीय बल केंद्राभिसारी बल से अधिक होगा, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स इज ग्रेटर देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ग्रेटर देन सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी कि केंद्र बाहर की तरफ ज्यादा बल लगेगा, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी अपकेंद्रीय बल ज्यादा होगा केंद्राभिसारी यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स से। एंड नेक्स्ट है, प्रत्येक संचरण में होता है। तो प्रत्येक संचरण में क्या होता है? यहां पे संचरण मतलब गति की बात हो रही है। तो एक धुरी और एक तल, एक एक्सिस एंड एक तल होता है। जैसा कि एक्सिस और तल दोनों के बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिति में परिवर्तन क्या है? व्हाट इज द चेंज इन सिचुएशन? तो स्थिति में परिवर्तन विस्थापन कहलाता है। किसी विशेष दिशा में गतिशील वस्तु के स्थिति परिवर्तन को उसका विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है। नेक्स्ट है, जिस बिंदु पर शरीर का संपूर्ण द्रव्यमान यानी वजन केंद्रित हो सकता है उसे कहते हैं। तो दोस्तों, उसे हम कहते हैं गुरुत्व मध्य। क्या कहते हैं? गुरुत्व मध्य यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, जहां पे शरीर का समस्त या किसी वस्तु का समस्त भाग कार्य करता है। यानी कि संतुलन बनाए रखने के लिए किसी भी वस्तु के केंद्र बिंदु यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के दोनों आधारों के मध्य रखा जाता है। यानी किसी भी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु होता है जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, तथा वह वस्तु बिंदु के चारों ओर संतुलित ढंग से घूम सके, वस्तु चाहे जिस स्थिति में रखा जाए। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत पुनर्निवेशन इसके द्वारा सरल होता है। पर्सनल फीडबैक इज मोड इजियर बॉय। तो ये होता है आपका गति बोधक ज्ञान यानी कानेस्थेटिक सेंस के द्वारा, कानेस्थेटिक नॉलेज के द्वारा। नेक्स्ट है, भुजा की फसली की बढ़ोतरी के दौरान कौन सा तिकोनी पुट्ठा प्रतिरोध करता है? तो दोस्तों, यहाँ पे जो है जो राइट होगा वो होगा पेक्टोरलिस मेजर मसल्स एंड लैटिमस डोर्सी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी दोनों होगा। पेक्टोरलिस मेजर जो हमारे वच पे होती है, जो थ्रोइंग मसल्स कहलाती है, और लैटिमस डोर्सी स्विमर या रोइंग मसल्स कहलाती है। तो पेक्टोरलिस मेजर वच के बगल में दोनों तरफ होता है, जबकि लैटिमस डोर्सी पीठ में होती है या दोनों मांसपेशियों की सहायता से। भुजा जो है यानी कि जो डेल्टॉइड मसल्स होती है वो हाथ ऊपर उठाता है। हाथ क्या होता है? ऊपर उठाता है। लेकिन एक क्वेश्चन आया था आपको कि हाथ को ऊपर उठाने में कौन सी जो है मसल्स काम करती है, तो डेल्टॉइड वहां पे ऑप्शन था, डेल्टॉइड राइट होगा। और यहाँ पे पेक्टोरलिस मेजर और लैटिमस डोर्सी डेल्टॉइड का मुख्य पेशी का सहायता करती है। एंड नेक्स्ट है, पावर लिफ्टिंग में प्रकार होते हैं। तो पावर लिफ्टिंग जो है तीन प्रकार का होता है, स्क्वाट बेंच प्रेस, डेड लिफ्ट।
इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग फेडरेशन का गठन 1971 में हुआ था। नेक्स्ट है, वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में दो प्रयासों के बीच के वजन का बढ़ाना इससे कम नहीं होना चाहिए। वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता हो रही है तो दो प्रयासों के बीच में आप कितना वजन बढ़ा सकते हैं, तो 5 kg से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, 5 kg तक आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, समप्राशायी संकुचन को यह भी कहा जाता है। समप्राशायी यानी आइसोटोनिक, आइसोटोनिक कंट्रक्शन कैन आल्सो बी कॉल्ड, तो आइसोटोनिक को हम डायनेमिक कंट्रक्शन भी बोलते हैं। डायनेमिक मतलब गतिक कंट्रक्शन, जबकि आइसोमेट्रिक स्थैतिक होता है, क्योंकि उसमें जो मांसपेशियां होती हैं आइसोमेट्रिक में चेंज नहीं होती है लंबाई, और तनाव बना रहता है, स्थिर रहता है, जबकि आइसोटोनिक क्या है, डायनेमिक है, गतिशील है, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक इसेंट्रिक दो प्रकार का होता है, पेशियों की लंबाई घटती है बढ़ती है। नेक्स्ट है, एक पेशी संकुचन होती है लेकिन कोई गति नहीं होता, इस स्थिति को किस रूप में जाना जाता है, तो आप सही जवाब टिक कर दिए होंगे, इसको कहा जाता है आइसोमेट्रिक, ठीक है। इसके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ लिया है, इसमें तनाव बना रहता है, कोई गति, नो मूवमेंट होता है, गति होता हुआ दिखाई नहीं देता है, मांसपेशियों की लंबाई सेम होती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, यही होता है आपका आइसोमेट्रिक, जैसे दीवार को धक्का मारना। नेक्स्ट है, डिक फॉसबरी जिनके नाम पर ऊंची कूद के खेल में फॉसबरी फ्लॉप टेक्निक रखा गया, किस देश का खिलाड़ी था, तो वह अमेरिका का खिलाड़ी था, ये आधुनिक शैली फॉसबरी फ्लॉप की इन्होंने खोज किया था, ऊंची कूद की। नेक्स्ट है दोस्तों, मानव शरीर में हिंज संधि कहां पाई जाती है, वेयर इज द हिंज जॉइंट फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी, तो मानव शरीर में हिंज संधि कहां पाई जाती है, ये हिंज संधि एक तल में गति होती है, जैसे हमारे कोहनी का ज्वाइंट, घुटने का ज्वाइंट, उंगलियों का ज्वाइंट, जबड़े का ज्वाइंट, तो ये चारों जो है हिंज संधि के अंतर्गत आता है, तो इस ऑप्शन जो दिया है इसमें कोहनी संधि एल्बो ज्वाइंट आपका राइट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है, हिंज संधि होती है, हिंज संधि क्या होती है, मूवेबल होती है कि इमूवेबल, तो मूवेबल होती है, यानी कि चल संधि के अंतर्गत हिंज संधि आता है। नेक्स्ट है, मुख्यतः शिशु के समाजीकरण की प्रक्रिया कब से प्रारंभ होती है, तो दोस्तों सोशलाइजेशन ऑफ ए चाइल्ड स्टार्ट होता है आपका होम यानी कि घर से, घर से स्टार्ट होता है सबसे पहले समाजीकरण की शिशु की व्यवस्था, उसके बाद वो क्रीड़ा समूह विद्यालय में जाता है। नेक्स्ट है, व्यायाम के दौरान अधिकतम संभव उपापचय दर, व्यायाम के दौरान अधिकतम संभव उपापचय दर क्या होता है, तो दोस्तों व्यायाम के दौरान संभव उपापचय दर लगभग आधे से कम हो जाएगा यदि हीमोग्लोबिन आधे स्तर से गिर जाता है, तब यानी कि जब हीमोग्लोबिन का स्तर आधे से अधिक गिर जाएगा तो जो मेटाबॉलिक रेट होता है वह भी आधे से कम हो जाएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही लेकर जाता है ऑक्सीजन को और चयापचय कार्य भी करता है ऑक्सीजन, इसलिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम बल का उपयोग करने की एक मांसपेशी की क्षमता किसके रूप में जाना जाता है, तो बल स्ट्रेंथ की बात कहा है, तो इसमें हृदय वाहिनी क्षमता भी नहीं होगा, मांसपेशी सहन क्षमता होगा ही नहीं, राइट आंसर होगा आपका मांसपेशी शक्ति यानी मस्क्यूलर स्ट्रेंथ होगा। अधिकतम बल का उपयोग करने की एक मांसपेशी की क्षमता को हम कहते हैं मस्क्यूलर मसल्स स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है, किसी वस्तु के त्वरण में परिवर्तन इसे उत्पन्न कर रहे बल का प्रत्यक्ष समानुपाती और इसके द्रव्यमान का व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसे न्यूटन के गति के किस नियम के रूप में जाना जाता है, तो दूसरे नियम यानी कि संवेग का नियम के अंतर्गत, या त्वरण का नियम, या लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, लॉ ऑफ मोमेंटम के अंतर्गत रखा जाता है, यानी कि जो
किस वेग परिवर्तन की दर को ही क्या कहा जाता है, संवेग यानी त्वरण कहा जाता है। यह बल के समानुपाती यानी जितना बल लगाएंगे वस्तु उतना ही गति करेगा और द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती यानी भार के विपरीत होता है। जैसे जितना ज्यादा भार होगा उतना गति कम होगा, तो उसके उल्टा होता है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल और फलक्रम के बीच भार वाले लीवर किस प्रकार का लीवर है? तो क्या है, मैंने कई बार बताया है इसका ट्रिक, FAR 312। तो क्या बोल रहा है, ए के नीचे तीन है यानी तीसरे प्रकार के लीवर में, या फिर यानी फोर्स बीच में होता है, बल बीच में होता है एक्सिस और रेसिस्टेंस के। ए के नीचे वन है यानी प्रथम प्रकार के उत्तोलक में एक्सिस बीच में होता है रेसिस्टेंस और फोर्स के। आर के नीचे टू है यानी रेसिस्टेंस यानी भार जो है बीच में होता है द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में फलक्रम और एक्सिस के। यहाँ पे क्या पूछा है आपका, बल और फलक्रम के बीच क्या है, भार यानी कि प्रतिरोध है, रेसिस्टेंस है। तो कौन प्रकार का उत्तोलक होगा, आर के नीचे आपका क्या देख रहा है, दो, तो दूसरे प्रकार का उत्तोलक होगा, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कौन होगा, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में ग्लाइडिंग जोन ज्वाइंट पाया जाता है। तो हमारे ग्लाइडिंग ज्वाइंट एक हड्डी दूसरी हड्डी पर फिसलती है, इसलिए इसको ग्लाइडिंग ज्वाइंट कहते हैं। या हमारे कलाई पर जो टार्सस और टखने में जो कार्पस ज्वाइंट होती है उसमें पाया जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है उसमें कार्पस हो जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, टखने के लिए स्वास्थ्य लाभ की प्रक्रिया में कौन सा व्यायाम किया जा सकता है? तो टखने के लिए व्यायाम है डोर्सीफ्लेक्शन। कौन सा व्यायाम है, डोर्सीफ्लेक्शन। इसे पैर के टखने यानी एड़ी का ऊपर की ओर आकुंचन किया जाता है। नेक्स्ट है, यंत्र विद्या की शाखा जो बल के कारण की व्याख्या करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, यंत्र विद्या की शाखा जो बल के कारण की व्याख्या करता है, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ फोर्स, जो फोर्स की व्याख्या करता है उसे हम कहते हैं काइनेमेटिक्स। क्या कहते हैं, काइनेमेटिक्स। काइनेटिक और काइनेमेटिक्स दोनों में अंतर है। काइनेटिक का मतलब जो गति बल के द्वारा गति उत्पन्न होता है वो होता है, काइनेमेटिक्स जो बल की व्याख्या करता है यानी बलों का अध्ययन किया जाता है जो वस्तुओं में गति उत्पन्न करते हैं तो उसे हम कहते हैं काइनेमेटिक्स। तो बल के कारण की व्याख्या, जहाँ व्याख्या करने की बल की बात हो, काइनेमेटिक्स होगा। और काइनेटिक्स क्या होता है, उन बलों का वर्णन करता है जो बल उत्पन्न करते हैं, उन बलों का अध्ययन करता है जो बल उत्पन्न करते हैं। तो यही आप समझ लीजिए, काइनेटिक मतलब गति से रिलेटेड किया जाता है, काइनेमेटिक्स मतलब बल से। नेक्स्ट है, कंधों का जोड़ इस प्रकार का है। तो आप समझ सकते हैं कंधों का जोड़, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है, मल्टी एक्सियल मूवमेंट होता है, सभी कई अक्ष में गति होता है इसमें, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, कंधे और हिप का ज्वाइंट बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है। एंड नेक्स्ट है, किसी प्रक्रिया का धुरी सदैव समतल पर होता है। तो धुरी सदैव समतल पर होता है, वो होता है आपका समकोण। क्या होता है, समकोण, नहीं 90 अंश का कोण जो होता है समकोण कहलाता है। जैसे कि ए आपका क्या है, समकोण है, ए आपका है यहाँ पे समकोण, 90 अंश का कोण जो है समकोण कहलाता है। ऐसा कोण जिसे बनाने वाली दोनों किरणों के मध्य का झुकाव 90 अंश हो समकोण कहलाएगा। एंड नेक्स्ट है, खेल कूद विस्थापन में कौन सा लीवर अधिक प्रभावित होता है? तो आपको पता है तृतीय प्रकार का लीवर, जिसमें जो है फोर्स जो है बीच में होता है एक्सिस एंड रेसिस्टेंस के, ठीक है। तृतीय प्रकार का लीवर आपका खेल में ज़्यादातर, जैसे कि हमारा एल्बो फ्लेक्शन, सीट अप्स एंड हेमस्ट्रिंग कर्ल एंड थाई फ्लेक्शन, ये सभी आएंगे आपका तृतीय प्रकार के उत्तोलक में। नेक्स्ट दोस्तों, पैर की उंगलियों पर शरीर को उठाना किस उत्तोलक का उदाहरण है? तो पैर की उंगलियों पर शरीर को उठाना कौन से उत्तोलक का उदाहरण है? मैंने इधर लगातार जो वीडियो अपलोड किए हैं उत्तोलक के बारे में बताते आई हूँ कि जो
पैर की उंगलियों को उंगलियों पर शरीर को उठाना द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है। कौन से प्रकार का? द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है। तो पैर की उंगलियों को शरीर पर उठाना कौन सा लीवर है? तो द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है। जैसे कि आप इसमें जो है द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में जो रेसिस्टेंस होता है, क्या होता है? रेसिस्टेंस होता है वो एक्सिस एंड फोर्स के बीच होता है, यानी कि भार आपका बीच में होता है। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में भार आपका बीच में होता है और इसमें पैर की उंगलियों पर शरीर को उठाना एंड पुशअप करना, जबड़े का खुलना बंद होना, प्लांटर फ्लेक्शन एंड बास्केटबॉल वॉलीबॉल में पंजे से जंप लेना, ये सभी द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। और वस्तुओं में जैसे कि सरौता, कूड़ा उठाने वाली मशीन, नींबू निचोड़ने की मशीन और कब्जे पर घूमता हुआ दरवाजा, ये सभी इसे के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है, ज़्यादातर मांसपेशियों जो कुल्हे के जोड़ को गति प्रदान करती हैं, इसका उद्गम होता है। तो इसका उद्गम होता है श्रोणी से, यानी कि फ्रॉम द पेल्विस, पेल्विस से। नेक्स्ट है, हवा में शरीर को घुमाना, घुमाने की जो दीक्षा आधारित है, किस पे आधारित है? तो हवा में शरीर को घुमाव की जो दीक्षा आधारित है, वह आधारित है आपका कोणीय गति का रूपांतरण से आधारित है। कोणीय गति का रूपांतरण, कन्वर्जन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंड नेक्स्ट है, शरीर का कौन सा भाग गति की व्यापक सीमा बना सकता है? तो यहाँ पे राइट आंसर है हैंड, यानी कि हाथ जो है गति की व्यापक सीमा बना सकता है। हाथ एक ऐसा भाग है जो गति की व्यापक सीमा बना सकता है। हाथ की व्यापक सीमा ऊपर के भुजाओं को मोड़ना, चक्रीय घुमाना, कोहनियों को मोड़ना, फैलाना, ऊपर नीचे लाना, सभी जोड़ों में हाथ की व्यापक गति होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं खुद। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव कंकाल में सबसे बड़ी संधि है। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव कंकाल में सबसे बड़ी लार्जेस्ट आपका ज्वाइंट है, तो ये है घुटने का ज्वाइंट। इसका घुटने का ज्वाइंट, नी ज्वाइंट आपका सबसे बड़ी ज्वाइंट, सबसे बड़ी जोड़ है आपका मानव कंकाल में, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्सियोलॉजी अध्ययन है। किन्सियोलॉजी, इसको गति विज्ञान, पेशीय विज्ञान भी कहा जाता है। तो यह मानव की गति का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है? मानव गति का अध्ययन करता है। इसके जनक जो हैं अरस्तु हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर में अधिकतर उत्तोलक होते हैं। तो कई बार रिपीट हो चुका है यह क्वेश्चन, तृतीय प्रकार का उत्तोलक जो है मानव शरीर में सबसे ज्यादा होते हैं। तृतीय प्रकार के उत्तोलक में एफ जो है, यानी कि फोर्स जो है वो बीच में होता है एक्सिस एंड रेसिस्टेंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्दन का जोड़ उदाहरण है। तो दोस्तों ये रोटेट होता है एक फिक्स पॉइंट पर, तो इसे हम पिवट ज्वाइंट कहते हैं। गर्दन के जोड़ को कौन सा ज्वाइंट कहते हैं? पिवट ज्वाइंट कहते हैं, जिसमें से सर्वाइकल हड्डी में से पहला हड्डी होता है आपका एटलस, दूसरा आपका एक्सिस होता है, और जो जिसपे हमारा खोपड़ी जो है वो घूमता है, गर्दन घूमता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़त्व का नियम प्रतिनिधित्व करता है। तो जड़त्व का नियम किसको प्रतिनिधित्व करता है? न्यूटन के प्रथम की द्वितीय की तृतीय नियम, कौन सा नियम को प्रतिनिधित्व करता है? जड़त्व, यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया। किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो लॉ ऑफ इनर्शिया जो है, जड़त्व का नियम, जिसे हम अक्रमण्यता का नियम, जड़ता का नियम, गैलीलियो का नियम कहते हैं, यानी कि जब कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, और जब गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ये आपका न्यूटन के प्रथम नियम के अंतर्गत आएगा, ठीक है। द्वितीय नियम संवेग का नियम, तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के मध्य रेखा से दूर जाने वाली प्रक्रिया कहलाती है। तो यहां पे एक व्यक्ति है, ठीक है, ये शरीर के इसका बांह जो है मध्य रेखा से दूर जा रही है, ये क्या है? एब्डक्शन। क्या है ये? आपका स्थिति कहलाएगा एब्डक्शन। जबकि मध्य रेखा की तरफ आएगा तो ये आपका हो जाएगा, मध्य रेखा की तरफ आएगा तो ये आपका एडक्शन हो जाएगा, ठीक। एब्डक्शन ये हो जाएगा एब्डक्शन, और ये हो जाएगा एडक्शन, ठीक है। एंड
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक क्रिया में मांसपेशियां शिथिल रहती हैं वह है, तो दोस्तों जब कोई मसल्स कंट्रैक्ट होने में या कार्य करने में मुख्य भूमिका अदा करती है तो उसे हम कहते हैं एगोनिस्ट या प्राइम मूवर मसल्स। जैसे कि हम अपने एल्बो को फ्लेक्शन कर रहे हैं तो उसको मोड़ने में मेन भूमिका अदा कर रही है हमारी बाइसेप्स मसल्स, तो बाइसेप्स मसल्स हमारा जो हो गया वह मुख्य मांसपेशी यानी कि प्राइम मूवर्स या एगोनिस्ट हो गया। और उसके विपरीत जो शिथिल रहती है, उसके विपरीत जो भूमिका अदा करती है उसे कहते हैं एंटागोनिस्ट मसल्स। तो जो शिथिल रहती है उसके हम विरोधक या प्रतिरोधी या एंटागोनिस्ट मसल्स कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विरोधक। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। जो भी डाउट होगा कमेंट में बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। एंड फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।